जी पाजी सत श्री अकाल। बस ठीक ठाक है जी। और सुनाओ थोड़ा की हाल है? शुक्र है शुक्र है, अज बहुत भागाला दिन है। मेरे भरा आए जी मेरे को जम्मू को ही। जी 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 होर घर परिवार ठीक ठाक। चलो मालक का शुक्र है कि सानू मालक ने अमृतसर की धरती बिच लिया, गुरु नानक दी जो अल्लाह का प्यारा बंदा हाँ, रब का बहुत प्यारा बंदा हाँ गुरु नानक जी। हाँ जी हाँ जी, अहीं भी बड़े बड़े विद्वानों को सुनिया कि गुरु नानक जी जेड़े है अल्लाह दे वली है, वह मक्का मदीना च हज करके आए है। एक बहुत पहुंचे इंसान है दुनिया वास्ते, एक बहुत एक मतलब एक बहुत तोहफा आए है रब की तरफों, और हज भी करके आए है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो चलो सानू खुशी हुई कि अहीं अमृतसर बिच आ गए। अच्छा अच्छा पाजी थोड़ा नाम की है? मेरा सुखपाल सिंह गिल जी। अच्छा सतपाल गिल जी। सुखपाल जी। सुखपाल। अच्छा, सुखपाल गिल जी। हाँ, सुखपाल गिल ते मेरा फार्म पेंदा जी अंबरसर खास मजीठा रोड पिंड बलकला गिल स्टड फार्म दे नाम दे उते मेरा फार्म जेड़ा वो ज्यादा मेरे वीरां दे विच फेम है जी। अच्छा अच्छा। हाँ मैं वेखिया थोड़े फार्म विच ऊंट भी है। हाँ जी ऊंट हैगे जी, ऊंट रखे जी पुराने तुरे आउंदे जो बुजुर्गां वेले तो रखे सी जी, हुण गां तुरे आउंदे ही संभाल के रखिया, थोड़ा विरसे दी कोशिश करन दा कि पुरानियां चीजां सांभ के रखिए। एक कद दी तुहाडे घर ऊंट चलदे पे ने? इह शुरू तो चलदे आउंदे जी, दादा जी दे वेले ते चलदे आउंदे 47 कोलों पहले दे। हां 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 बिल्कुल जी। अच्छा हिंदुस्तान दी पाकिस्तान दी पार्टीशन कोलों पहले? हां जी हां जी हां जी। अच्छा अच्छा पुराने हिंदुस्तान दे टाइम दे। हां जी हां जी जी जी। ते बकरियां कदियां रखियां? बकरियां शुरू तो जी। अच्छा पुराने टाइम दी पुराने टाइम दी ते हुण कोई आ कोई 10-15 साल तो मतलब ज्यादा इंटरेस्ट बनिया हड्डा ज्यादा बता छड़ियां। हां जी हां जी हां जी हां जी, ते बड़ी कृपा आ बड़ियां रहमतां जी गुरु रामदास जी दियां, बहुत रहमत है जी इहदी बकरी दा वाधा जी सारे कम्मां तो जी जी, बरकत है इहदी जी। अच्छा हर टाइम थोड़े जिहड़े फार्म विच तकरीबन किन्नी बकरी रहिंदी है? बकरी परमात्मा दी कृपा जी भेड़ लग गया मेरे को जमुना पारी ते कजली भेड़ वाकया। ओ किन्नी भेड़ आ थोड़े कोल इसले? भेड़ इस वक्त हैगी जी 300 ते वड्डी भेड़ आ ते बच्चा 150 होऊगा जी। अच्छा बड़ा फार्म बनाया तुसी? चलो परमात्मा दा जी सच्चे। ते बकरी किन्नी रहंदी थोड़े फार्म विच? बकरी हुण इस वक्त ते बिजी जितना थोड़ा सीजन आ ते तकरीबन 550-600 दे कोल बकरी है जी। अच्छा 550-600 बकरी तुहाडे फार्म च रहंदी है? बिल्कुल प्रेजेंट जी बिल्कुल। ऑल इंडिया च तुहाडी बकरी जांदी है? ऑल इंडिया सप्लाई है जी मेरी, महाराष्ट्र दिल्ली तमिलनाडु तक गुजरात, हां जी MP ठीक है जी, सिलीगुड़ी इधर ए साइड बिहार यूपी, ते सब तो मेन चीज जेड़ा तुहाडा ना साडा भाईचारा जी अपने जम्मू श्रीनगर ए बेल्ट पठानकोट इधर ते एंडी नहीं जिनी बकरी जांदी है जी। अच्छा भाई जी मैं थोनू एस पुछना चाहना कि लोग कहंदे ने बीटल बकरी, हां जी एदा ओरिजिन एदी शुरुआत एदा मुंड सिरा किस इलाके तू है? देखो जी एदा मुंड जेड़ा ओ अंबरसर लाहौर। अच्छा चलो अज अहीं दो भागां च वंडे गए आ, है ते इक सी हुण वी चलो इक आ सच्चे पातशाह कृपा करे गुरु रामदास, ते एदा मुंड जेड़ा ओ अंबरसर सी जी, तां ही अमृतसरी बीटल बकरी आ। अपने हिंदुस्तान दे संविधान दे विच भी एक बकरी रजिस्टर्ड है जिहड़ी अमृतसरी बीटल बकरी दे नाम ते रजिस्ट्रेशन जिहड़ी आ ओह बीटल बकरी दी। इहदा मतलब कहण दा तुहाडा इह आ कि जिहड़ी बीटल है ओह अमृतसर दी पैदाइश है? अमृतसर ते लाहौर जी। अच्छा इस धरती दी पैदाइश है? इस धरती, क्योंकि अंबरसर लाहौर इकट्ठा सी जी पहलो सारा सारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई 60 किलोमीटर दा घेरा जी इन्हां दोवां दा। हाँ जी वकबा विच पिंड जिहड़े इकट्ठे वसदे सी इत्थे मेन इन्हां दी जिहड़ी मतलब आपां जिहनू ओरिजिन कहिंदे ना जड़ कहिंदे ना ब्रीड जिहनू कह दईए ओह इह बीटल बकरी अंबरसर दी है। अच्छा इसे इलाके दी बकरी है? हां अज ठीक आ बठिंडा मशहूर हो गया, जगरावा मशहूर, इधर इलाके मशहूर आ क्योंकि ओह लोग प्यार करदे आ बकरी नू पालदे आ हैना। हां जी हां जी। ते लेकिन मेन मोढे दा जिहड़ा ओह अंबरसर ही है जी। अच्छा अच्छा। हां जी ते बकरी किन्ना किन्ना दुध दिंदी है? बकरी साडे कोल जी जे मतलब स्टार्टिंग जे तरह पहलना पठा ओह ते 2 किलो 2.5 किलो, ते जिहड़ियां वड्डियां बकरियां तीजे चौथे सूए जो बकरी जांदी आ साडे कोल 5 तो 6 लीटर 7 लीटर वाली बकरी भी है। अच्छा 5-6 लीटर बकरी दा दुध हैगा? बड़े रमान नाल जी। अच्छा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਬੱਕਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਮੱਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ
क्योंकि इहनू बीटल बकरी इहदा जिहड़ा हाइट वजूद इहदा सारा सिस्टम आपां वेखीए ना जी, इह छोटी मझ दा रूप आ, छोटी मैंस दा रूप इह बकरी आ, बीटल बकरी। लत्तां मोटियां, वड्डा वजूद इहदा जी। अच्छा, इहदियां लत्तां वी मोटियां होंदियां ने मझां वांगू? हां जी बिलकुल जी, बिलकुल बिलकुल। मेन रंग जिहड़े बकरी दे बीटल दे ने की रंग ने? रंग इहदे जी मेन ते इहदा हैगा जी काला। अच्छा, बाद चो आ गया लोहा, लाल डब्बा, शेरा, पक्का लोहा। जी जी, ठीक है। ये रंग जेड़े मतलब जेड़े पांच चार रंग है, ये पक्के रंग है जी। जी जी जी, हां जी। तो एदा देसी इलाज भी तुसीं बकरियां दा करदे हो? करदे हां जी, करदे हां, करदे हां। एदा असल विच ते इलाज ही देसी है, एलोपैथिक ते हुण साडियां मजबूरियां, क्योंकि पुराने बंदे हौली हौली समय ना सारा चेंज होई जान डिया जी, पुराने बंदे तुर गए, नहीं तो पहलो बकरी बकरे नूं कदी टीका लगा नहीं सुनिया। मैं अपनी होश दे विच भी टीका लगा बकरी बकरे नूं सुनिया नहीं सी, क्योंकि ये बकरी आ बाहर दा जंगल दा जानवर सी जी, ते बाहर चरदी आ, सारे विटामिन मिनरल जिहड़े बाहरों ही पूरे कर लैंदी आ। मेरियां अज भी बकरियां मैं बाहर ही भेजियां जी, चराई ते गईयां जी, चराई ते, चराई ते। अपना घर दा चारा पांदे तुसी? मैं घर दा चारा पाउना जी, अपना मक्की, कणक, जौ, साबत जेड़े आ। ठीक है जी, हां जी। बाकी वेखो ए च बरकत आ, मैं ते अगे होना चैनलां दे माध्यम दे राही भी दस्या कि जेड़े भरा ने बकरी पालन करना बगैर नॉलेज तो बिलकुल ना करन, पूरी नॉलेज लै के बकरी दे फार्म, बकरी पालन करन, एदे च बहुत वधिया प्रॉफिट आ। लेकिन सब तो जरूरी आ कि तुहानू ट्रेनिंग होनी चाहीदी, तुहानू मैडिकल बारे पता होना चाहीदा आ, क्योंकि अपनी धरती च बहुत कमियां आ गईयां आ कैमिकलां दे हिसाब दे नाल, उस करके बकरी दा बीमार होण दा इशू रहिंदा है जी। इह असीं जिहड़ा फर्टिलाइजर वगैरा ते अंग्रेजी खाद इहदे उहदे करके, उहदे करके इहनू वी बहुत वड्डे लैवल ते नुकसान होण डिया जी, इहदा बकरी दा वी। बाकी वीर जी इस तरह हैगा कि जिहड़े बंदे ने हुण साडे कोल कई पंज दस बकरियां फार्मर नवे बेचारे लै जांदे आ, ते ओ उलझ जांदे आ। बकरी पालने कहो जा धंधा, इनू 3 साल लगदे जी कम से कम बंदे नू कामयाब होण च, उच घाटा वाधा सब कुछ हुंदा जी जी। ठीक है, बाकी बकरी पालन जेड़े इंसान ने करना, जेड़े फार्मर ने करना, ओहदे कोल घट से घट 200-250 बकरी होनी चाहीदी आ, फिर ओहदा प्रॉफिट दा धंधा वधिया चलदा जी जी जी। हां, एक होर थोड़ू मैं सवाल पुछना चाहना कि बकरी नू सब तो अच्छा पत्ता केड़ा लगदा? सब तो अच्छा पत्ता इनू लगदा जी बेरी। अच्छा, बेरी दा, बेरी दा, डेक दा, शतूत दा, बोर्ड दा, पिपल दा, ए इहदे फेवरेट आ। किकर भी? किकर भी जी, किकर भी, जेड़ी चीज नू कंडा ओ इहदी फेवरेट आ जांदी है जी। अच्छा अच्छा, हां, अगर ये जड़ी बूटियां खांदी है इहदा? हां जी हां जी हां जी, बिलकुल जी, इहदे पूरे टॉनिक, पूरे मिनरल पूरे हुंदे आ, तां ही वेखो जेड़ी चीज इक इंसान दे सैल पूरे कर दिंदी है जी, ते ठीक है, ओहदा अपनी बॉडी दे ते सैल रब वल्लों ही फिर रहमत आ ओहदे उत्ते जी। हां, चलो सरदार साहब, तुसी बहुत अच्छी जानकारी एक अमृतसर की धरती चू दी, बकरी दे बारे च थोड़ा ज्ञान दिता, ते नवे बकरी पालन आले नूं तुसी की कहना चाहते हो? नवी बकरी पालन आले नूं मैं वीरां नूं अपने भरावां नूं कहना आ, हुण मैनूं बहुत वीर फोन करके पुछदे आ, वीर जी सानूं दसो इह च प्रॉफिट आ, इह किवें दा? वेखो धंधा माड़ा नहीं आ, बहुत वधिया धंधा, पर नवे नौजवानां नूं मेरी इह अपील आ, कारोबार करने चाहिए दिया, लेकिन ट्रेनिंग तो बगैर बकरी पालन ना करो, पूरी तुहानू नॉलेज चाहिए बकरी पालन वास्ते, फिर तुसी बकरी पालन दे विच आओ, इस वाधा बहुत आ। हुण साडे कोल वीर आउंदे आ जदों वेखदे 400-500 साडे कोल बकरी आ, हर एक बंदे दा दिल हुंदा यार मैं भी आपदा फार्म बनावा, मैं भी करा, असीं भी तो शुरू तो 8-10 जानवरां तो स्टार्ट कीता सी, अज रब दी कृपा होई, ठीक है, ओहदी रहमत तो बगैर ते ट्रेनिंगां भी सारियां फेल आ जी। ठीक है, बाकी है कि बगैर ट्रेनिंग तो नवे फार्मर इस धंधे नूं अपनाउण दी कोशिश ना करन, उच नुकसान हुंदा, और जेहड़े बंदे ने बकरी पालन करना कम से कम उहनूं 3 साल वेट करनी पऊगी, 3 साल दे बाद फिर कारोबार जिहड़ा अगे तो अगे चली जाणा जी। आपां जी सरदार साहब तुसीं बहुत अच्छियां गल्लां दस्सियां कि किस तरह बकरी नूं पालना, ओहदा बकरी लैणा सौखा है, मगर ओहनूं पालना, ओहनूं खिलाणा पिलाणा, इहदी नॉलेज पूरी होनी चाहीदी है, ओहदी दवाई दे बारे च, ओहदे रख रखाव दे बारे च। वेखो हुण जे मेरा तजर्बा कोई 20 साल दा आ, किसे वीर दा 30 साल दा आ, है ना, लेकिन मैं ये जरूर गल कहना फार्मरां ते फार्मरां दे जिहड़े लोग ट्रेनिंगां लैंदे लैण, लेकिन मेन चीज डॉक्टर को ट्रेनिंग जेड़ी लैनी बहुत जरूरी आ। बिल्कुल बिल्कुल, एक जेड़ा क्वालिफाइड बंदा आ जिने आपदी पढ़ाई करके 5-7 साल अपने डिग्री च गाले आ, उन्हें सानू हर एक चीज दसनी हुआ जी, जी। डॉक्टर को जरूरी जेड़ी ट्रेनिंग ओ लैण,
ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ 6-6-7 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲੋਕਾਤ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਦਵਾਈ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਐਕੋਰੇਟ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂ, ਟੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲੋਕਾਤ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਖਿਲਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ 5 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀਰ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਆਓ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਖੂਬ ਵਾਧਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਾਈਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।